खुद की तरक्की में इतना वक्त लगा दो कि दूसरे की बुराई करने का टाइम ही ना मिले, वक्त ही ना मिले। इसी सोच के साथ शुरू करता हूं अपना आज का प्रोग्राम। आज बात करेंगे मोहम्मद रफी और किशोर कुमार जी के बेटे अमित कुमार जी की। दोस्तों चलते हैं पुराने दौर में और बात करते हैं कुछ उसी दौर की। जब मोहम्मद रफी साहब की एकेडमी लॉन्च हुई यानी कि 31 जुलाई 2010 में मोहम्मद रफी की साहब की एकेडमी लॉन्च हुई, तब उनके बेटे शाहिद रफी ने बहुत सारे सिंगर्स को बुलाया था और उनसे रफी साहब के ख्यालात जानने की कोशिश की थी। उसी दौरान अमित कुमार जी भी उस प्रोग्राम में आए हुए थे। तब अमित कुमार जी ने एक बहुत ही प्यारा सा किस्सा बताया, जब रफी साहब ने अमित कुमार जी को अपने गले से लगा लिया था। अमित कुमार जी बताते हैं कि ये बात है 1970 और 71 के बीच की, जब अमित कुमार स्टेज शो किया करते थे और उन स्टेज शो में अपने पिताजी के गाने गाया करते थे, यानी कि किशोर दा के सॉन्ग वो गाया करते थे। तब अमित कुमार जी बताते हैं कि मेरे गाने के बाद रफी साहब का गाने का नंबर आना था और अमित कुमार जी ने किशोर दा का गाना गाया। गाने के बोल थे, दुखी मन मेरे सुन मेरा कहना, जहां नहीं चहना वहां नहीं रहना। ये गीत उन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से गाया और मोहम्मद रफी साहब इस गीत को सुन रहे थे। उन्होंने बाकायदा इस गीत को बहुत ही सुकून के साथ सुना। जब अमित कुमार जी ने अपना गीत कंप्लीट कर लिया, तब मोहम्मद रफी साहब स्टेज पर आए और अमित कुमार जी को अपने गले से लगा लिया और उनसे कहा, बेटा तुमने बहुत अच्छा गाना गाया है, आज मुझे तुम्हारा गाना सुन के बहुत खुशी मिली, बहुत अच्छा फील हुआ, ऐसे ही गाते रहो, बहुत अच्छा गीत गाया आपने। वो इतना खुश हो गया कि उन अपने जज्बात अमित कुमार जी के सामने रख दिए। फिर अमित कुमार जी ने कहा कि देखिए ऐसे थे मोहम्मद रफी साहब, दूसरों की खुशी में खुश होने वाले इंसान को ही मोहम्मद रफी कहते हैं। दोस्तों ये मेरा मानना है। आज के प्रोग्राम में इसी बात को शामिल करना था। उम्मीद करता हूँ आप सबको पसंद आया होगा। अगर मेरी ये बात पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक भी कर देना दोस्तों, और ऐसे अच्छे से और वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।